चार धाम गुढ़ियारी में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हो रहा है दोस्तों समुद्र मंथन, शिव जी का पूजा अर्चना किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों भगवान बद्रीनाथ जी का धाम। यहाँ विराजे हैं कैलाश पर्वत में भगवान शिव और माता पार्वती। जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मन कामना पूर्ति। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस YouTube के चैनल चलबो छत्तीसगढ़ में। आज हम हैं रायपुर के गुढ़ियारी में और करेंगे हम चार धाम की यात्रा। मेरे पीछे देख पा रहे हैं चार धाम, जो कि शाम 7 बजे से एंट्री प्रारंभ हो जाती है यहाँ पे। आइए तो मैं सबको लेकर चलता हूँ चार धाम यात्रा में। एंट्री दोस्तों यहाँ पे शाम 7 बजे से प्रारंभ होती है, लेकिन पब्लिक उससे पहले यहाँ पे लाइन लगा लेती है ताकि उन्हें ज़्यादा भीड़ का सामना ना करना पड़े। अभी हम जा रहे हैं अंदर, ये देखिए गेट खुला हुआ है, चार धाम दोस्तों। पंडाल के अंदर प्रवेश करते ही भगवान शंकर जी हमें दिखेंगे। चार धाम में पहला पड़ाव है माता यमुनोत्री का। यहाँ से आपको दिखाई देंगे माता यमुनोत्री और भगवान शंकर जी यहाँ पे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है माता यमुना। यमुनोत्री में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों हम। चार धाम में से पहला पड़ाव हम यहीं पर डालते हैं अपना पहला पड़ाव, और पहला पड़ाव यहाँ डालने के कारण भक्तों की काफ़ी भीड़ होती है यमुनोत्री में। सर, प्राचीन काल में महर्षि आसित का आश्रम यमुनोत्री में मौजूद था। उनका नित्य यह नियम था कि वह हर एक दिन प्रातःकाल स्नान के लिए गंगोत्री जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वृद्धावस्था के कारण उनके लिए गंगोत्री के मार्ग के दुर्गम पर्वतों को पार करना मुश्किल हो गया। तब माँ गंगा ने अपना एक छोटा सा झरना आसित ऋषि के आश्रम में प्रकट कर दिया। यह झरना आज भी वहाँ मौजूद है। माता यमुनोत्री के दर्शन करने के पश्चात हम पहुंचेंगे गंगोत्री धाम में। देखिए दोस्तों, बहुत ही सुंदर साज सज्जा किया गया है यहाँ पे, और झरनों को भी बहुत ही बखूबी तरीकों से यहाँ पे गिराया जा रहा है। चार धाम में से एक धाम गंगोत्री धाम भी है। ये देखिए दोस्तों, स्पष्ट देखिए माता गंगा को, और वो सवार है अपने वाहन मगर में। देखिए दोस्तों, यहाँ पहुंचकर साक्षात माता गंगा जी के दर्शन हो गए हैं, और झरने की कलकल की आवाज को भी आप महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों आपको रायपुर शहर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों धाम को रायपुर के गुढ़ियारी में ही बसा दिया गया है। आप स्पष्ट देख पा रहे हैं दोस्तों मेरे चैनल के माध्यम से, और मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से इस जगह में लेकर आया हूँ ताकि आप घर बैठे इस चारों धाम के दर्शन कर उनका लाभ प्राप्त कर सकें। चार धाम में से एक धाम है भगवान श्री केदारनाथ जी का। ये देखिए केदारनाथ में सामने में आपको दर्शन प्राप्त हो रहे नंदी जी का। आपका जो भी मन में जो कामनाएं हैं आप भगवान श्री नंदी के कानों में बोलिए, वो आपके इस संदेश को भगवान श्री शंकर जी के तक पहुंचाएंगे और आपके बात को वो रखेंगे, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सके। दोस्तों नंदी जी को भगवान शिव का परम भक्त एवं उनका परम सेवक माना जाता है, इसलिए वो दिन भर उनकी सेवा में लगे रहते हैं दोस्तों। अभी हमारी चार धाम की यात्रा का पड़ाव पड़ने वाला है भगवान श्री बद्रीनाथ के दरबार में। ये देखिए दोस्तों, भगवान श्री बद्रीनाथ जी को, जिन्हें भगवान श्री शंकर जी का अवतार माना जाता है, ये देखिए दोस्तों भगवान बद्रीनाथ के द्वार में। दोस्तों पूरे छत्तीसगढ़ में गुढ़ियारी एक ऐसा जगह है जो कि बहुत ही फेमस है अपने गणेश पंडालों के लिए और यहाँ की निकलने वाली झांकियों के लिए। तो दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ एक बार ज़रूर आइए और यहाँ के
झांकी को आप एक बार आके अवश्य देखिए दोस्तों। ये देखिए भगवान शिव कैसे अपने डमरू को डम 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 बजा रहे हैं और माता पार्वती उनके साथ बैठी हुई है। दोस्तों आज गणेश उत्सव का प्रथम दिवस है और मैं आप सबको ये वादा करता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ पर भी सुंदर और मनोरम गणेश पंडाल और झांकियाँ लगी हुई हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ तक ले जा सकूँ और अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को मैं सब गणेश पंडाल दिखा सकूँ। विघ्नहरण मंगलकरण मंगल मूर्ति गणेश, ये देखिए दोस्तों बुढ़ियारी के गणेश भगवान जी को आप मेरे चैनल के माध्यम से अपने सारे दुखों को इनसे दूर करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहरण भी कहते हैं और इसे विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप भगवान श्री गणेश जी के सम्मुख आइए और उनसे अपने दुखों को बांटिए दोस्तों, वे जरूर ही आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। ये देखिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं प्रसिद्ध धाम रामेश्वरम धाम। भगवान श्री राम जी ने यहीं पर भगवान शिव जी का पूजा अर्चना किया था। ये देखिए दोस्तों आपको मैं स्पष्ट रूप से दिखा सकता हूँ भगवान श्री राम जी द्वारा शिव जी का पूजा अर्चना किया जा रहा है। ये देखिए दोस्तों ये है जामन जी, ये है लक्ष्मण भगवान और ये हैं उनके साथ में श्री राम जी। और भगवान श्री राम जी द्वारा शिव जी की पूजा इसलिए की गई थी ताकि वे समुद्र को लांघ कर लंका जा सकें और उसी के लिए उन्होंने भगवान श्री राम जी ने शंकर जी का स्तुति यहाँ पे किया था शिवलिंग बनाकर। ये देखिए हनुमान जी यहाँ पे राम नाम लिख रहे हैं और बाकी वानर सेना जो है उसको समुद्र में फेंक रहे हैं ताकि सेतु पुल का निर्माण किया जा सके। उसके पश्चात दोस्तों मैं आप सभी को दिखाता हूँ प्रसिद्ध, ये देखिए दोस्तों समुद्र मंथन किया जा रहा है और समुद्र से विष निकलने के पश्चात भगवान शंकर जी ने उस विष को ग्रहण किया और अपने गले में उसको धारण किया, तब से भगवान शंकर जी को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। ये देखिए समुद्र मंथन हो रहा है यहाँ पे दोस्तों। दोस्तों आप सभी को अपने परिवार के साथ यहाँ आना चाहिए, बहुत ही मनमोहक झांकियाँ हैं यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं पंडाल में आपको आना चाहिए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मनमोहक झांकी यहाँ बनाया गया और ये फव्वारा को भी देख सकते हैं दोस्तों आप, मेहनत बहुत ही किया गया है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी का प्रथम दिवस है। आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत अच्छे से, ये देखिए आपको सभी को अपने फैमिली के साथ यहाँ एक बार अवश्य आना चाहिए दोस्तों। ये देखिए यह है ड्रैगन झूला, देख सकते हैं दोस्तों आप, बच्चों के मनोरंजन का खास इंतजाम है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों मेले में झूले का भी बहुत ही अच्छा व्यवस्था किया गया है यहाँ पे और बच्चे बूढ़े जवान सभी झूले का अनुभव ले सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए कितने का देते हो भाई? 20 रुपये का ये कैंडी फ्लॉस है। ये देखिए शक्कर थोड़ा सा कलर डालते हैं, ये कैंडी फ्लॉस तैयार हो जाता है दोस्तों। ये देखिए ये इसको पैक और लटका देंगे दोस्तों। ये देखिए फिर देखिए दोस्तों कैंडी फ्लॉस।
दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइएगा। और भी मैं मनमोहक झांकियां आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो के मेरे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करके कमेंट भी करिएगा। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हमारे गुंडारी में जो भी यहाँ है शांतिपूर्वक अच्छे से और अपना मोबाइल और अपना जो भी महंगी सामान है घर में छोड़ के आए। मैं नहीं चाहता कि भाई किसी प्रकार से यदि आप दुर्घटना हो जाए फिर उसके बाद पुलिस को दोष लगाए कि आपने कुछ नहीं किया। तो कृपया करके अपने महंगे मैं महिलाओं से ये पहले तो कहना चाहूँगा कि वो अपने गहने को अपने घर में ही छोड़ के आए। और पीने वाले के लिए तो मैं सख्त मैं उसके लिए हूँ ना, मैं वो पीने वाले को खुद मैं उसको लेके अंदर ले जाकर टोकेंगे। पीने वाले लोग सावधान रहे।